अभी हूँ गेहूँ काटने आया हूँ, ये देख सकते हैं थोड़ा काटे हैं और अभी काट रहा है और धूप निकलने जा रहा है इसलिए और तेज़ी से काट देता हूँ। आप लोग वीडियो में बने रहे और आज है रामनवमी। मेरे तरफ से आप पूरे देशवासी और पूरे भारत के को मेरे तरफ से ढेर सारी रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग वीडियो में बने रहें और अभी गेहूं काट के आज का दिन का पूरा ब्लॉग मैं शूट करूंगा, आप लोग वीडियो में बने रहें। गाइस बहुत ज़्यादा धूप है, गेहूं कुछ काट दिया हूं, उसके बाद देख सकते हैं कितना गेहूं कटा गया है वहां से बाकी उधर, और शाम को आकर फिर काटूंगा, बहुत ज़्यादा धूप हो गया है, शाम को आकर काटूंगा जो बचा हुआ है और फिर मिलते हैं शाम को। आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब। गाइज घर के लिए निकल गए हैं, अभी जा रहे हैं घर, रास्ते में है ये रहा, तो इन चारों ओर गेहूँ लगाए उस साइड देख सकते हैं दबा गया है, इधर अमीन है, उधर ट्रैक्टर से गेहूं कटा रहा है, हम हाथ ही काट रहे हैं। चलिए चलते हैं घर, देख सकते हैं किरण साफ सिर के ऊपर है, बहुत ज़्यादा आज तेज धूप है, अभी टाइम भी 11 बज गया है और बहुत ज़्यादा धूप है और घर के लिए निकल रहे हैं, जा रहे हैं घर। चलिए चलते हैं घर, खेत के बीचों बीच रास्ता लग गया है ये, इधर गेहूँ है और बीचों बीच रास्ता लग गया है, इस रास्ते में है जा रहे हैं। चले गाइज मैं घर आकर हाथ मुँह गोड़ा धो लिया, फ्रेश हो गया, अब चल रहा हूँ सोने, अब सोने के बाद फिर 2 या 3 बजे से निकलूँगा फिर काटने, फिर मिलते हैं उसी जगह पे। चले आप लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा लो। गाइस खाना वाना खा के चल दिए हैं, शाम हो गया है, 4 बज रहा है, चल दिए हैं फिर गेहूँ काटने के लिए। धूप तो है मने हवा चल रहा है इसलिए धूप का कोई असर नहीं हो रहा है इतना ज़्यादा, देख सकते हैं धूप सामने है और हवा भी चल रहा है, तो हवा चल रहा है तो कोई असर भी नहीं पड़ रहा है उतना धूप का। चलिए चलते हैं गेहूँ काट कर फिर मिलते हैं शाम को, वीडियो में बने रहें, अभी तक चैनल को लाइक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चल कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिएगा लो। चलिए चलते हैं, वहाँ थोड़ी दूर पे आ गए हैं लो, अब चलेंगे काटेंगे गेहूँ, उसके बाद फिर मिलते हैं। दिख रहे हैं देख सकते हैं, यहाँ 2-3 कुत्ते भी है जो इनको खेद रहे हैं, खेदा खेदी चालू है, और ये घोड़प्रास है जो हमारे गांव में घोड़प्रास कहते हैं, इसे लील गाय भी कहते हैं लोग, यहाँ आ गए हैं लोग खेत में। आप लोग वीडियो बना रहे, चलिए चलते हैं फिर मिलते हैं शाम को। किरण डूब चुका है, चल रहा हूँ घर, अभी बस थोड़ा सा और बच गया था, अब सुबह में काटेंगे, अब चल रहे हैं घर, रात भी हो गया है, देख सकते हैं चारों खेतों में कोई नहीं है, कोई नहीं है, बस मैं अभी काट के निकल रहा हूँ घर, आप लोग भी वीडियो में बने रहें। अब कल आपको मैं इसी ब्लॉग में डालूँगा कल का भी, कल देवरी कराएंगे जो बचा है उसको काटेंगे और देवरी करा के सब गेहूँ को ढो देंगे, कल का भी ब्लॉग इसी वीडियो में अपलोड करूँगा, दोनों कल का और आज का दोनों मिक्स एक ही ब्लॉग में वीडियो अपलोड होगा। ठीक गाइस आप लोग अपना सपोर्ट बहुत कीजिए लोग, बहुत सपोर्ट कम आ रहा है, अपना सपोर्ट बनाइए रखिए गाइस। अभी मैं चलिए चलते हैं घर, आज के ब्लॉग में बस इतना ही, फिर मिलते हैं कल जो बचा है उसको। गुड मॉर्निंग, आज दूसरा दिन है, आज चल रहे हैं जो थोड़ा बाकी था उसको काटेंगे और आज ही
उसको जमा करके और डाल देंगे। चलिए चलते हैं, अभी फिलहाल खेत में हूँ, ये बस थोड़ी देर के बाद उग जाऊँगा। चलिए चलते हैं। गाय देख सकते हैं सब कटा गया है, बस यहीं थोड़ा सा बाकी है, इतना काटेंगे और थोड़ा सा धूप लगेगा, उसको जमा करेंगे और फिर थ्रेशर बुला कर दवा देंगे। चलिए इसको काटते हैं, फिर मिलते हैं बाद में। गाइज देवरी वेवरी खत्म हो गया है, गेहूँ को दवा हुआ के थ्रेशर से दवा हुआ तो उसको धो के अभी उन्हार हो गया है, अब उन्हार हो गया है उसको धो दिए हम लोग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।